तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे, हेल्थ से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी फैमिली के साथ मिलाने में वाला हूँ आपको, कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे से बड़े कितने हैं, छोटे बड़े हैं, कौन कौन है। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको अपनी फैमिली के साथ मिलाऊंगा। तो फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम पहले के कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे को टाइम नहीं लगा था वीडियो बनाने को, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1K के बजाय मेरे सब्सक्राइब 1.5K कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1500 के करीब, 1500 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं। वीडियो तो मैंने 2 बार पहले ही बनाई, एक बार अच्छे से शूट नहीं हुई थी और एक बार सुबह बनाई, आज बहुत तो शूट हो गई थी, बहुत पता नहीं उसमें पता नहीं चला कि क्या कुछ हुआ, मतलब दिखी नहीं मेरे को फ़ोन पर वो। एक बार जब शूट करके देखी तो फिर थी, उसके बाद जब मैंने देखा कि एडिटिंग करता हूँ तो फिर मेरे को वीडियो दिखी नहीं। तो मतलब तीसरी बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 बार तो ऐसे लफड़ा हो गया, ऐसे मालूम नहीं करता। मतलब पहली बार जब कोई भी काम करते हैं उसको मन से करते हैं, जब दूसरी बार या तीसरी बार करना पड़े तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने में, पर फिलहाल मैंने वादा किया तो वो पूरा तो करना ही है। तो तीसरी बार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, मेरे से बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े से शुरू करते हैं जो कि मेरे डैडी हैं, तो डैडी को बुलाते हैं पहले। सबसे पहले वो तो बाहर होंगे, काम कर रहे होंगे। तो आपको अगर मेरा फैमिली टूर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। तो चलो बुलाते हैं भाई डैडी। जी वीडियो बनानी होती पहले माड़ा मोटा पता मैं बना स्हेई भाई कम कार चलो लगता है ठीक है, बनाते रहे भाई, कम टाइम काम भी करना था, कुछ बिल टाइम हो जाता बनाते रहे। चलो ठीक है। चलो भाई ये है मेरे डैडी, इन्होंने हमको पाला, इतना बड़ा किया, लगा करते डैडी जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। तो अभी बुलाते हैं सबसे बड़े डैडी हमारे घर में, उससे छोटे हैं मेरी मम्मी, तो मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी तो भाई ये है अपनी मम्मी, वो वही ये है मेरी मम्मी, जिसकी जीभ है इतनी लंबी। तो बोलना है इके वाला मलावा करना, तो वीडियो बना देना, किसी बना देना वीडियो, वीडियो बना ये। हाँ ये शौक है, मैं किताब बनाना हूँ, एको काम कार करना या ये वीडियो बनानी है, क्या होना चाहिए वीडियो बनाई है। जैसा पढ़ा किसी ने दबाज पैसे नहीं देगा, सारा दिन किलिया मुलिया हुआ सोतने वो सोतने कहाँ तो तुसा ये वीडियो बनांदा रहना। नहीं काम नहीं कराना, काम नहीं कराता हूँ, काम का करना चाहिए, दार छे काम करने चाहिए दे मारा, कोई सुतना सुटना कोई सुटे आई कोई किसी काम का किता भी दे कोई लिख भी रहना लगे। चलो भाई ये मम्मी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसकी जीभ इतनी लंबी, तो ये सिर्फ बातें सुनाती रहती है। तो अब इसके बाद मेरा छोटा भाई है, वो तो अभी घर पर नहीं है, वो अपने काम पर है, तो उसकी फोटो मैं लगा दूंगा, जब थंबनेल लगाऊंगा तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसका एक फनी किस्सा बड़े टाइम पहले का, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वो कहता था कि जब स्कूल गया था वो झाड़ियों में छुपा था, तो मैंने देख लिया उसको जब मैं गया, तो वो कहता कि मैंने कहा कि स्कूल में जाकर क्या कर रहा था, तो वो बोलता कि आज का दिन छुपने थे सिर्फ, आज के बाद नहीं छुपूंगा। तो वो एक फनी की किस्सा है उसका, तो वो है मेरे से छोटा। तो उससे छोटी, सबसे छोटी हमारी बहन, उसको बुलाते हैं अभी उषु। जी हाय डैडी। तो भाई ये है अपनी डैन, डैन नहीं होता, भैन 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 होती है, बोलना कुछ। चलो ये अपनी फैमिली, छोटी सी फैमिली। बस एक बात रह गई इनको पूछने को कि
कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए नहीं चाहिए, करनी चाहिए वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तुझे क्या लगता है ब्लॉगिंग करने वाला वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? वीडियो बनाओ जो मर्जी करो बच्चे, नहीं आपको कोई नुकसान होना चाहिए था, नहीं कुछ होना चाहिए था, मतलब कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए था बस, बाकी जो मर्जी करो बस, तू हमें बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? वीडियो बनाना तो बनाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, देखो नहीं आपको ही होना चाहिए था, नहीं कुछ होना चाहिए था, तो अपना आप भी खुश रखना, कुछ दुखी करा जा, कुछ दुखी करता जा करता परिवार दुखी हुआ, जो कोई ऐसे ऐसी वीडियो बनाई बनाई चढ़ा के तुक्के फालतू हो, कुछ फालतू घरे से फालतू हो, कोई जिदा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ दुखी करी आप कुछ नहीं रहना बस, कोई सुखी रहा आप दुखी रहना करना, भगवान भी देखता कि आए कुछ सुख देना करे, कोई नुकसान चल गया उससे भगवान भी बख्शीदा, जब पूरे अपना सुख है तो कुछ दुख देता था उससे, ये 4 दिन की खेल होती बाद इंसान खुद डालंडा आपको भुगतना पौता, ग्राम म्हल दिखे अगर पिछले दिखे उसी खरे काम करके तोड़ा नहीं होगा उदास रहोग तोड़ा बच्चा रहोग, अगर तुझे थोड़ी जिंदगी नहीं बस रहे अपने बच्चे रहा सौ ना आसर पवा मन सके तो कखे जो वो लखे पूछना, ठीक है भाई ये एक बात रह गई पूछने, तो ये मैंने पूछ दी तो आपने सुन लिया कि क्या क्या बोला उन्होंने, और कुछ बोलना है बस और कुछ नहीं बोलना, तो चलो ठीक है भाई ये तो दिख तो चीज़ रह गई थी पूछने को, जो मैंने पूछ दिया तो आपने सुन लिया कि क्या क्या बोला, इसमें हम 5 लोग हैं, 4 तो हम हैं और 5वां हमारा भाई है वो अभी काम पर है, वो तो घर पर नहीं है, तो इनसे पूछते हैं कि ये मेरी ब्लॉगिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ब्लॉगिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो चलो पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं हमारे घर में सबसे बड़ी डैडी है, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि ब्लॉगिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीडियो बनाना में बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तुझे क्या लगता है? इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा लोग दिखा दे थोड़ा कुछ बड़े होने निके होने आए मतलब बड़े हर लोग होने सर देखिए देखा लगे उस वीडियो बनानी चाहिए, कोई ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कोई बुरी चुरी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कोई बेनिफिट हो तो काम करना चाहिए, काम करने कोई मना हो तो करता यार एकड़ा काम नहीं करो, कोई ऐसी वीडियो बनाओ या जैसी दुनिया दिखी है अभी कोई सैना जाना थी भैन सब दिखे खुश होने मतलब फैमिली बेहिया दिखी सके अपने परिवार से बेहिया दिखा अपने परिवार से बेहिया दिखी सके कोई ऐसी वीडियो परिवार से बेहिया दिखी सके तो कन्नै आउटपुट ही ऐसे और रिजल्ट सी होना चाहिए था, बाकी काम कोई बुझे कमर जी करो कोई नहीं करो बस बस, ये नहीं आओ कोई गंदी फंदी वीडियो आई जाओ तो कोई रिजल्ट ही उल्टा हुआ उतने का काम नहीं करना चाहिए, कोई अच्छी वीडियो अच्छा काम करना से कोई मना थोड़ा करता है नहीं करो उसे, कोई समाज से मैसेज आना है अपने बच्चे दिखा दे निके निके 10-15 साल दे 10-15 साल दे किसी बुजुर्ग होने किसी नौजवान होने उधर कोई मैसेज आना है समाज ऐसे पब्लिक ऐसे मैसेज जो है कि कोई भी काम करना अच्छा काम करना चाहिए अच्छे काम में हर कुछ का साथ होता हर कोई जैसा योग करता ते जो बुरा काम करते उन्हें हर कुछ सब कुछ जोड़ना है कि दिया बच्चा खुद का बच्चा के काम कर रहा था ये दिया काम नहीं करना चाहिए बच्चे से मैसेज स्कूल पर पढ़ते मतलब 10 साल है या 20 साल तक या उधर बड़े नौजवान है ये उनके से कोई मैसेज थोड़ी कर पा साढ़े तरफा ये अच्छी मेहनत करना बच्चे अच्छे काम काम करना अच्छे अपने माँ प्यो की पढ़ाई जब वो भी पैसा लाते इधर से लाते कि सारा बच्चा पढ़ी लिखी है कुछ अच्छा पढ़ी लिखी है अच्छे कोई नौकरी लाए जाए अच्छा कोई काम करे नहीं गए कोई जेब गदर बनाए जा कोई ऐसे डॉक्टर गतियाँ करनी या कुछ मार कुटना एक पैसा तो लाओ लिया होना पढ़ाई कर बाकी जे नहीं ठाने लाने बेचिए तो उस काम का क्या फायदा करना इस दस्ता अच्छा कि अच्छे काम करो अपने अच्छे काम ध्यान दियो। चलो भाई ये डैडी के मैंने मिलाया आपको इनसे कि ये इनके क्या विचार हैं, इन्हें समाज को मैसेज दिया और ब्लॉगिंग के बारे में बताया कि काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, इसके बाद पूछते हैं मम्मी को तो मम्मी क्या बोलती है तू के यानी वीडियो बनाने के लिए बनाने के लिए क्या करना है इसका मतलब कोई कोई फायदा हुआ था बनाना चाहिए थी नुकसान हो रहा नहीं के बनाने तो नुकसान कुछ नहीं होता ये अपना टाइम लाना लाना पौंदा कंटेंट दिखाना पौंदा के दोनों का कंटेंट कटना पौंदा बाकी वीडियो बनाने से और
नुकसान कुछ नहीं होता। इन्हें काम कार अपने फिरके जैसा कोई किसी ने करना कोई नहीं, कोई हाथ लाना कोई किसी ने करना, इतना बेरा ना सारा देना तो फिर वो भी बनानी है भी वीडियो बनानी है तो ही मेरी फायदा हुआ किसी बनानी है किसी मतलब फायदा होता काम करना नहीं हुआ तो नहीं करना, नहीं करना किसी करना हुआ नहीं फायदा हुआ किधर से करना अभी नहीं अभी नहीं करना। समाज से कोई चार काम करने अच्छे काम करो समाज से कोई मैसेज जिन्हें लोग दिखा दे उन्हें बड़े दिखा दे उन्हें बड़े दिखा दे उन्हें निके दिखा दे उन्हें बच्चे दिखा दे उन्हें तो कोई मैसेज नहीं मेरा स्कूल भर दे बच्चे उन्हें या बड़े उन्हें मिसाल मेरे आने उन्हें या निके उन्हें बस 15-20 साल दे उन्हें अच्छे काम करो अच्छी पढ़ाइयाँ करो ठीक ठाक चार काम करने बुरे काम नहीं करने अच्छे काम करने बच्चे ठीक पढ़न अच्छे काम जी मतलब केवी जी मतलब कोई पढ़ाई करने शैल पढ़न। तो चलो भाई मम्मी ने भी ये बोला कि काम कोई करना जिसमें कोई फायदा हो जिसमें नुकसान नुकसान हो वो काम नहीं करना चाहिए और मैसेज ये रहा कि पढ़ाई करो अच्छे काम करो बस यही मम्मी का। तो अभी इससे पूछते हैं कि ये क्या बोलती है तेरा कोई वीडियो वीडियो तो क्या बोलना तो तू कोई समाज की मैसेज तेरे आने जाने तेरे क्लासमेट दिखा रहे होने तेरे टीचर दिखा रहे होने तेरे सूर्य दिखा रहे होने तेरे सेहत में दिखा रही होनी वीडियो उन्हें कोई मैसेज तेरा सूर्य सूर्य दिखा रहे होने उन्हें जो मैसेज शर्म नहीं तो मेरे पढ़ो ये मतलब तेरे आने जाने तेरे मतलब तेरा निके उन्हें मैसेज करें तो आप किना टाइम देनी पड़नी जरूर जा सच सुना अपने आप किना टाइम देनी पड़नी चोर इधर पकड़ा गया चलो भाई सुबह मैंने एक वीडियो में जब बनाई थी उसमें ये भी कंक्लूड था कि मैंने अपनी सैलरी का कुछ 5-10% हिस्सा जो है वो डोनेट किया था तो वो शाम जो वीडियो बनाने का मजा दिन में था वो तो अभी नहीं है इन्होंने बताया था कि इनको पता है या नहीं है तो उसके बारे में दोबारा से डैडी फिर बताएंगे कि इन्होंने क्या बोला था सुबह जो सुबह बोला था वही बोलना है पूरा रिपीट जरा सवेरा बोला दोबारा हो गया बोल रहे तुम्हें पता था मेरा कौन है मतलब सारा गरीब बंदे अगर कमाना नहीं है कोई ते वो ते भी मतलब तुम्हें पास गए थे सारे कौन है मतलब जरा बोल रहे हो गया बोल रहे हैं वीडियो मजा वीडियो बनाना बढ़ लिया हूँ बोल रहे थे नहीं तुम्हें पता लगे मैं सुना उड़ा हूँ देखा तुम्हें मतलब सवेरा बोल रहे बोलो इतना मैं क्यों नहीं पता कौन बंदा है कौन मैं सतवार ना जा नुआढ़े घर आई वो भी मरी गए बेचारे उधर बच्चे निकल गए पता नहीं कौन बंदा है कौन चाचू पढ़ाते टब्बर खर्चा खुर्चा पूरा होता तो चलिए डैडी को मैंने सब पूछा था ये तो गैस नहीं कर पाए थे कि किसको दिया था पर हालांकि उसके आसपास पहुंच गए थे तो मैं जब मम्मी को पूछा था मम्मी ने बता दिया था ट्रैक्टर की सबसे गरीब बंदा हमारे मोहल्ले में वही है जो जिनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है तो मम्मी ने सही गैस किया था जो जिनको मैंने डोनेट किए थे मम्मी का गैस सही निकला था और ऊषु ने तो बहन ने तो वीडियो देखी थी इसको तो पता था ही था तो मम्मी को मम्मी बोलती आप उसके बारे में थोड़ा सा तू क्या आया है मतलब कुछ चीज़ वो कौन आ रहा है तू क्या पहले कुछ आया सुना उड़े तू सुना उड़े यानी तो क्यों तू वीडियो देख रही पहले यानी है कि पता आया है मतलब क्या हरा मतलब नहीं
और उनके 2 दिन बच्चे भी हैं, और वो वीडियो में उसका भी लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वो आप देख लेना। और 10-11 साल हो गया उन्होंने अपना घर बनाए हुए, वो अब तक उन्होंने उस पर दरवाजे नहीं लगाए हैं, खिड़कियाँ नहीं लगाई हैं, तो इस तरह की कंडीशन है। कुछ उन घरों की वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वो आप देख लेना। तो उस को भी तो पता नहीं था भाई, इसने वीडियो देखी तो फिर इसको पता था, तो इसको और क्या ही पूछना है। चलो तो भाई अब एक बात रहती है पूछने को, डैडी को ये पूछते हैं कि अगर किसी को डोनेट करना है तो वो मंदिर में जाकर पैसे चढ़ाए, या किसी गरीब को ऐसे मंदिर को जैसे वो जैसे मैंने उनको डोनेट किए थे उनको करना जरूरी है, या मंदिर में चढ़ाना जरूरी है? तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अगर कुछ डोनेट करना होगा तो उसके देना ठीक होंगे या मंदिर देना ठीक होगा? देखो मंदिर भी चढ़ाना जरूरी होंगे, कोई ऐसे गल नहीं, मैं आखता कि हाँ मंदिर नहीं चढ़ाओ, तुम गरीब भेज दो या फलाना करो, इतने आस्ते होंगे कि मंदिर चढ़ाए है तुम इतना मन लगे, मैं इतना समझ लो कि तुम अंदर 500 रुपये चढ़ाए, माँ थोड़ी भुख ही घर में रहती है, तो फिर तुम सोचो कि मंदिर चढ़ाना ठीक है, माँ भी देना ठीक है। तीन कोई गरीब बंदा भुखा मर रहा है उस मंदिर 500 रुपये चढ़ाए होंगे, अगर उसी बंदा लगता कि आप किस रोटी आस्ते 10 रुपये दे दो, तो तुम दसो कि कौन घटा ठीक है, मंदिर चढ़ाना ठीक है, जब उस गरीब बच्चे जब कोई गरीब आदमी बच्चा जनानिया कोई भी उसी रोटी खानी ठीक है। मंदिर पैसे कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती, मंदिर पैसे का फुल चार्ज करना, अगर कोई बंदा लगे जिसके बारे अस जानते हो इतनी बुरी हालत कुछ थी बता मंदिर बेहतर है कि उत्थे देओ ना उत्थे देओ, तो जहाँ कुछ बच्चे कोई पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ उड़ो किसी किस्म की मदद करो, जरूरी नहीं है कि पैसा देना या किसी भी करना, कोई मदद करा सकता है जितना कि कुछ देर हो गई शांति हो गया, हाँ ठीक है साढ़ा भी कोई अस इतने गरीब है तो साढ़ा असि भी कोई चाहता या सुखा या सारे लत्त मारना भगवान तो चलो जो कुछ भी है बंदे भी साढ़े कोई नेट प्रम करता है या असि इतनी है कि मदद हो सकती है कुछ इसे अच्छा ये है कि मंदिर भी 10-20 चढ़ो या नहीं आते नहीं चढ़ो, गरीबी की मदद करना भी जरूरी होंगे जी, सच गरीब हो तो हो कोई फ्राड तो उस उन्हें दीजिए फायदा यार, देना भी उसको चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो। वैसे तो मैं देने को गाड़ी वाले में बहुत आते हैं, मगर उनको दे सकता था, पर उनका उनके बारे में घर का नहीं ना जानते हम कि घर कैसे है, उनके कैसा रहना उठना बैठना है उनका, जो अपने गाँव में मोहल्ले में रहते हैं जिनको हम 20-25 साल से जानते हैं, तो उनका उनके बारे में पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके उनके बैंक अकाउंट में ना चेक किए थे, वो वीडियो भी डाले थे, उनके बैंक खाते से सिर्फ 14 महीने रह गया था, 100-200 रुपया खाता उन्होंने बच्चे ने भी जी दान कर दो कोई जे युवा खेलता शराब पींदा या दूगा शराबा पींदा होटल मस्तियां मारता है कोई बुरे काम करता उस पैसे देने कोई ठीक होना, तो कोई सच गरीब है उसी उसकी मदद करके तो उन्हें कोई सी सी देनी कोई बुरा काम करना उसे कराना है, उन्हें कहना भगवान चल तू 10 कमाना 50 कमाए जो कुछ मैंने वो उनके बैंक खाते चेक किए हैं, और उनकी बैंक डिटेल सारी जो है वो सभी की 3 बच्चियाँ उनकी तीनों की वो आंटी हमारी उनकी और दादी हैं उनकी भी बैंक डिटेल मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वीडियो में आई लिंक आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, उस वहाँ पर देकर आप जो कुछ भी थोड़ा बहुत डोनेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फिर वीडियो मैं फैमिली के साथ नहीं बनाना चाहता, फैमिली को मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता था, पर अब मेरा इतना सब्सक्राइबर बेस मेरा बन गया, इतना बना लिया कि मैंने अब मैं भी फैमिली को ला सकता हूँ, डेली तो नहीं बनाऊँगा, पर ये है कि जब कोई कंटेंट चाहिए तो ब्लॉगर की लाइफ में आपको पता है कि ब्लॉगर को चाहिए कंटेंट, तो कंटेंट चाहिए तो फिर कंटेंट तो फैमिली के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर कहीं निकल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने को बोला था, तो फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो खुद से किए वो भी, और फिर मैंने सोचा कि जो बात आपसे किया वो पूरा कर देते हैं। तो यही है आज की ये छोटी सी वीडियो, आज की इस वीडियो को रखते हैं ये तक, तो बोलूँगा कि वीडियो लाइक करूँगी शेयर करूँगी, वीडियो लाइक करूँगी शेयर करूँगी सब्सक्राइब करूँगी चैनल सब्सक्राइब करूँगा चैनल सब्सक्राइब करूँगी तुम बोल वीडियो लाइक करनी वीडियो लाइक करनी चैनल वीडियो शेयर करनी वीडियो शेयर करनी चैनल सब्सक्राइब करना चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना करना तुम बोल वीडियो लाइक करनी शेयर करनी चैनल सब्सक्राइब करनी। तो भी सबने बोल दिया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा कमेंट करो वीडियो के बारे में, तो आज की इस वीडियो में को रखता हूँ ये तक, आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
तो मिलता हूँ आपके साथ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्पेशली योर फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। कितने घंटे की बनी है बोला?